नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्रिकेट एडिटर की एक और फैंटेसी 11 वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले इंग्लैंड और श्रीलंका मुकाबले की, जो कि कल चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में खेला जाएगा। ये वर्ल्ड कप का 25वां मुकाबला है, काफी बेहतरीन मुकाबला होने की उम्मीद है, क्योंकि ये दोनों टीमें पॉइंट्स टेबल पर देखा जाए तो सबसे नीचे बनी हुई हैं। श्रीलंका और इंग्लैंड दोनों टीमें अपनी 4 मुकाबले खेल चुकी हैं, 4 में से दोनों ने 3-3 मुकाबले हारे हैं, जबकि एक एक मैच जीता है। जहां अगर दोनों टीमों की बात की जाए तो इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन है, लेकिन अभी तक चैंपियन की तरह एक भी गेम खेलते हुए नहीं दिखी है। अगर बांग्लादेश को मैच को हटा दे तो, जो बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने धर्मशाला में मैच खेला था, वहां 364 रन बनाए थे, डेविड मलान की 140 रनों की पारी देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद से बल्लेबाजी में काफी खराब प्रदर्शन देखने को मिला। गेंदबाजों में भी अगर बात की जाए, क्रिस वोक्स, मार्क वुड का वो जलवा देखने को मिला नहीं है। क्रिस वोक्स जो स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में विकेटें उनके खाते में भी नहीं गई है, और मार्क वुड भी काफी महंगे साबित होते हुए दिखे हैं। लाइन लेंथ का कोई पता नहीं है, लेकिन मार्क वुड एक तेज गेंदबाज है, उम्मीद करेंगे कल के मुकाबले में वापसी करे। रीस टॉपली जो उनके एकमात्र ऐसे गेंदबाज लग रहे थे जो विकेट ले रहे थे, वो भी चोटिल होने के कारण अब पूरे वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंग्लैंड को काफी झटके भी लगे हैं। अब देखना होगा कल मुकाबले में, जो अभी तक उनके जॉनी बेस्ट्रो अभी तक इस वर्ल्ड कप में देखा जाए तो कुछ खास कर नहीं पाए हैं, तो कल उनके ऊपर भी निगाहें होंगी, क्योंकि हैदराबाद से खेलते हैं। आईपीएल में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पे भी बेंगलोर के खिलाफ उन्होंने काफी मुकाबले खेले हैं, तो छोटा ग्राउंड है, उसका काफी इनको अनुमान भी होगा, तो जॉनी बेस्ट्रो से एक बड़ी पारी की उम्मीद करेंगे। और वहीं जॉस बटलर जो कप्तान है, अभी तक उनके बल्ले से भी कोई आतिशी पारी देखने को मिली नहीं है, जो कि बटलर जाने जाते हैं हमेशा अपनी तूफानी पारियों के लिए। वहीं श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में आप देखिए, कुशल मेंडिस को छोड़कर अभी तक कोई भी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन कर नहीं पाया। हालांकि कुशल मेंडिस भी पिछले 2 मुकाबलों में थोड़ा जल्दी आउट हुए, लेकिन उनके अलावा सदीर समर, रविक्रमा ने आपको बल्लेबाजी करके दिए, एक शतक भी उन्होंने भी लगाया, लेकिन चरित्र श्रीलंका की बात करें तो उन्होंने भी छोटी पारियां खेली हैं, लेकिन गेंदबाजी सबसे बड़ी परेशानी का सबब रहा है दोनों ही टीमों की अगर बात करी जाए, खास करके श्रीलंका की, क्योंकि श्रीलंका की जिस तरीके की गेंदबाजी रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रन लुटाए हैं। आपको मैच याद होगा साउथ अफ्रीका का 428 रन, जहां 428 रन जिसमें सारे गेंदबाजों की पिटाई हुई थी, उसके बाद बाकी मुकाबलों में उन्होंने रन काफ़ी, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से 345 रन उन्होंने चेज करवा दिए थे, तो कहीं उनकी गेंदबाजी अभी भी परेशानी का सबब बनी है। महेश तीक्ष्णा आने की वजह से उनकी थोड़ी सी मिडल ओवर में थोड़ी दिक्कतें खत्म हुई हैं, लेकिन बाकी जो तेज गेंदबाज थे, पिछले मुकाबले में कसुन रजीता ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करी थी, 4 विकेटें लिए थे, दिलशान मधुशंका जो विकेटें ले रहे हैं, बट बाकी गेंदबाजों से उनको साथ नहीं मिल रहा था। जो मथीसा पथिराना कहीं ना कहीं वो भी चोटिल होकर बाहर हो चुके हैं, हालांकि वो काफ़ी महंगे भी साबित हुए थे पहले 2 मुकाबले में। उनकी जगह एंजेलो मैथ्यूज, जो कि काफी अनुभवी बल्लेबाज है, उनको टीम में शामिल किया गया है, तो अब यह भी देखने वाली बात होगी कि एंजेलो मैथ्यूज कल मुकाबले में खेलते या नहीं खेलते। तो आगे बढ़ते हैं, अब दोनों टीमों की अगर हेड टू हेड चीज़ों को देखें, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को देखें, तो यहाँ पे देखिए दोनों टीमों के बीच 78 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से 38 मैच इंग्लैंड ने जीते हैं, जबकि श्रीलंका ने 36 मुकाबले जीते हैं, तो यहाँ पे नेक टू नेक मामला रहा है दोनों टीमों के बीच अभी तक अगर देखा जाए तो, और अच्छे मुकाबले होने की उम्मीद है, क्योंकि श्रीलंका भी पहले, हालांकि ये पहले के रिकॉर्ड भी, इसमें पहले काफ़ी ज़्यादा मैचेस हुए, जो श्रीलंका की पहले प्राइम टीम हुआ करती थी, उसने इंग्लैंड के खिलाफ काफ़ी मुकाबले जीते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में देखा जाए तो श्रीलंका का फॉर्म उतना कुछ खास रहा नहीं है। प्लेइंग 11 की बढ़ते हैं, अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखें इन दोनों टीमों की, तो इंग्लैंड में शायद ही कोई बदलाव होता हुआ दिखेगा, बेन स्टोक भी पिछले मुकाबले में आपको खेलते हुए दिखे थे, लेकिन उतना कुछ छून के बल्ले से भी आया नहीं था, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जॉनी बेस्ट्रो, डेविड मलान आपको ओपन करते हुए दिखेंगे, उसके बाद जो रूट, बेन स्टोक्स, हैरी ब्रूक, जॉस बटलर, उसके बाद मार्क वुड, सैम करन हो जाएंगे, और डेविड विली, आदिल रशीद और गस एक्स्टन, तो ये आपकी इंग्लैंड की प्रोबेबल प्लेइंग 11 हो सकती है। वहीं श्रीलंका की बात करी जाए तो श्रीलंका में आप देखिए पाथुम निशंका, कुशल परेरा अच्छी शुरुआत दिलाई थी, कहीं ना कहीं ये अर्धशतक भी लगाए इन दोनों बल्लेबाजों ने, पाथुम निशंका तो 2 अर्धशतक लगा चुके, तो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो यहाँ पे पाथुम निशंका, कुशल परेरा आपको खेलते हुए दिखेंगे, उसके बाद कुशल मेंडिस कप्तान की भूमिका भी निभा रहे हैं, जब से कप्तानी करी आई थिंक इनका थोड़ा बल्ला भी खामोश हो गया है, तो कहीं ना कहीं वो भी चाहेंगे कि एक कप्तानी पारी खेलते हुए दिखे। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे आपके दूषण हेमंता शायद आपको कल खेलते हुए दिख सकते हैं, उसके बाद चमिका करुणारत्ने, महेश दीक्षणा, कसुन रजिता, दिलशान मधुशंका, सदीरा समर विक्रमा, चरित्र श्रीलंका और धनंजय डिसिल्वा आपको, तो ये श्रीलंका की प्लेइंग 11 कल की हो सकती है। हालांकि यहाँ पे आपको शायद दूषण हेमंता की जगह आपको शायद आपको एंजेलो मैथ्यूज भी खेलते हुए दिखते हैं, क्योंकि काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी हैं, टीम के साथ जोड़ा गया, तो शायद उनको भी कल मौका मिलते हुए आपको दिख सकता है। वहीं अगर पिच रिपोर्ट की बात करी जाए तो देखिए चिन्नास्वामी का स्टेडियम है, छोटा ग्राउंड है, 60-65 मीटर की यहाँ की बाउंड्रीज होती हैं, काफ़ी छोटी बाउंड्री, वहाँ पे छक्के काफ़ी लगते हैं, हमने पिछले मुकाबले में देखा था जिस तरीके से पाकिस्तान और
जिस तरह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला हुआ था, यहाँ पे काफ़ी अच्छी बैटिंग करी थी मिचेल मार्श और डेविड वार्नर ने, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी यहाँ पे आपको बैटिंग विकेट मिलती है जहाँ पे रन काफ़ी बनते हैं और चेस करना भी यहाँ पे आसानी होता है। अगर देखा जाए तो 39 मुकाबले खेले गए हैं, यहाँ पे 15 मुकाबले पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते जबकि चेस करने वाली टीम ने 20 मुकाबले जीते। हालांकि पाकिस्तान चेस नहीं कर पाई थी, 367 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने, 305 रन पर वो सिमट गई थी। तो यहाँ पर चेस करना आसान है, बट वही है कि आप 325 के आसपास का यहाँ का हाईएस्ट स्कोर अगर चेस देखा जाए तो देखिए 329 रन का चेस हो रखा है, तो यानी कि 330 के अंदर स्कोर है तो आप चेस करते हुए दिख सकते हो। तो इंग्लैंड चाहेगी अगर कल पहले बल्लेबाजी करती है तो 330 से ऊपर का स्कोर बने, 350 तक का तब जाके कहीं ना कहीं ये सेफ होगा, क्योंकि हमने देखा था 428 रनों का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने श्रीलंका ने 326 तक पहुंच गई थी, तो और वो भी दिल्ली के मैदान पे, तो यहां तो और छोटा ग्राउंड है दिल्ली से भी, तो कहीं ना कहीं यहां और ज्यादा छक्के लगते, तो यहां श्रीलंका के बल्लेबाज भी शायद वापसी करते हो आपको दिख सकते हो, डिफेंडिंग चैंपियन को एक और झटका देते हुए दिख सकते हैं। तो अब फैंटेसी 11 की टीम बना लेते हैं। अगर फैंटेसी 11 की टीम देखें इंग्लैंड और श्रीलंका की, तो इसमें आप देखिए विकेट कीपर के रूप में आप कुशल मेंडिस, जॉनी बेस्ट्रो और सदीरा समर विक्रमा को ले सकते हैं। हालांकि सदीरा आपको विकेट कीपिंग करते हुए नहीं दिखेंगे, बट वो भी आप अपनी टीम में रख सकते हैं, जॉनी बेस्ट्रो, कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा, इनको ले सकते हैं, क्योंकि कुशल मेंडिस का 2 मैच से बल्ला खामोश है, तो उम्मीद करेंगे कल के मैच में, क्योंकि लंबे लंबे हिट लगाते हैं, अगर पावर प्ले में बैटिंग आ गई तो फिर तो ये आपको रन बनाते हुए पक्का दिखेंगे, क्योंकि पावर प्ले में जिस तरीके की बैटिंग करते हैं इनको पावर प्ले काफी सूट करता है, 3 नंबर पे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो पहला अगर झटका कहीं लग जाता है जल्दी तो ये आपको कुशल मेंडिस कल रन बनाते हुए दिख सकते हैं। साथ में आपको जॉनी बेस्ट्रो भी, क्योंकि वो भी शुरुआत करेंगे पारी की, तो वो भी आपको इस ग्राउंड पे पावर प्ले का काफी अच्छे तरीके से फायदा उठाना चाहेंगे, छोटा ग्राउंड है, तो जॉनी बेस्ट्रो, सदीरा समर विक्रमा और कुशल मेंडिस आपके विकेट कीपर बल्लेबाज हो जाएंगे। उसके बाद बैट्समैनों में बात करी था, जो रूट को आप पक्का अपनी टीम में रखिएगा, उसके बाद डेविड मलान और पाथुम निशंका, तो ये आपके हो सकते हैं बल्लेबाजों में 3 विकेट कीपर, 3 बल्लेबाज, जो रूट, डेविड मलान और पाथुम निशंका। उसके बाद ऑलराउंडर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे धनंजय डिसिल्वा आपके लिए एक अच्छी पिक हो सकते हैं, क्योंकि ये विकेट जिस हिसाब के वो धनंजय डिसिल्वा को सूट करेगी यहाँ पे कहीं ना कहीं, और धनंजय क्योंकि और डेविड विली भी हैं जो कि तेज गेंदबाज भी इंग्लैंड के और बल्लेबाजी भी कर लेते, तो अगर बल्लेबाजी नीचे आती है तो ये आपके, या तो डेविड विली की जगह आप सैम करन को भी अपनी टीम में रख सकते हैं, क्योंकि वो ऊपर भी बल्लेबाजी करने आएंगे डेविड विली से, तो सैम करन को यहाँ पे आप रख सकते हैं आई थिंक डेविड विली की जगह। उसके बाद बॉलर्स की बात करें तो स्पिन एक गेंदबाज आपको रखना जरूरी होगा, तो वो इंग्लैंड में आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा, आदिल रशीद, हालांकि महेश तीक्ष्णा भी आपके पास है, लेकिन मैं कहूंगा कि आप आदिल रशीद के साथ कल जा सकते हैं, और कसुन रजीता आपके तेज गेंदबाज हो गए, और दिलशान मधुशंका ये आपकी 3 तेज गेंद, 2 तेज गेंदबाज और एक स्पिन गेंदबाज आप जा सकते हैं बॉलर्स में, क्योंकि आप देखिए इंग्लैंड के गेंदबाजों ने उतना फॉर्म दिखाया नहीं, रिस टॉपली जो विकेट लेने वाले थे वो इस मैच में खेल नहीं रहे हैं, मतलब वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए, गस एगिस्टन कह लीजिए कि शायद ही मार्क वुड, उनको भी विकेटें मिल नहीं रही है, क्रिस वोक्स पता नहीं खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप श्रीलंका के गेंदबाजों की तरफ जा सकते हैं जो इनफॉर्म खिलाड़ी चल रहे हैं, कसुन रजीता और दिलशान मधुशंका, तो इन 2 को आप रख सकते हैं अपनी टीम में। वहीं कैप्टन की बात करी जाए तो कल आप कुशल मेंडिस को अपनी टीम का कप्तान बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे पिक हो सकते हैं, वो कप्तान के लिए विकेट कीपिंग भी करते हैं तो उसमें भी आपको पॉइंट्स दिलाएंगे, और साथ में बल्लेबाजी करते हुए भी, तो वो कहीं ना कहीं एक अतिरिक्त पॉइंट आपको दिला सकते हैं, तो कुशल मेंडिस हो सकते हैं, और उसके बाद आप जॉनी बेस्ट्रो को भी बना सकते हैं, या फिर जॉनी बेस्ट्रो को आप कप्तान बना सकते हैं, मुझे लग रहा है जॉनी बेस्ट्रो का कल बल्ला आपको चलता हुआ दिखेगा, छोटा ग्राउंड है, उम्मीद करेंगे जॉनी बेस्ट्रो अपने पावर हिटिंग का कुछ जलवा दिखाएं और कल एक बड़ा स्कोर इंग्लैंड के लिए बनाते हुए दिखे, क्योंकि इंग्लैंड को यहां से जीतना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, 5 मुकाबले बचेंगे, अगर यहां हार जाती है तो काफ़ी दिक्कतें होने वाली है डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड के लिए। जॉस बटलर देखिए फॉर्म रहा अच्छा है नहीं, उनका भी फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा रहा नहीं है, तो कहीं ना कहीं जॉस बटलर भी चाहेंगे, बेन स्टोक्स जो इतने बड़े मैच के खिलाड़ी हैं उन्होंने भी अभी तक कुछ खास किया नहीं है, तो उन पर भी निगाहें रहेंगी, हालांकि बेन स्टोक को भी मैंने टीम में रखा नहीं है, क्योंकि शायद वो आपको बहुत कम चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि वो फॉर्म दिखा नहीं अभी तक, 2 मुकाबले जो उन्होंने खेले हैं उसमें उनका वो टच दिख नहीं रहा है, तो शायद वो आपको कल भी जल्दी आउट होते हुए या कुछ खास करते हुए दिखेंगे नहीं, तो ये आपकी टीम हो सकती है, एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, कीपर्स में आप रख सकते हैं, विकेट कीपर में आप जॉनी बेस्ट्रो, कुशल मेंडिस और सदीरा समर विक्रमा, उसके बाद जो रूट, डेविड मलान, पाथुम निशंका को बल्लेबाजों में रख सकते हैं, फिर बॉलर्स में आदिल रशीद,
कसुन रजीता, दिलशान मधुशंका, और ऑलराउंडर्स में आप डेविड विली और सैम करन में से किसी एक को रखिएगा, और उसके अलावा धनंजय डी सिल्वा। तो ये थी इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच की फैंटेसी 11 टीम। उम्मीद होगी आपको पसंद आई होगी और आपके काम भी आएगी, और बाकी कुछ चेंजेस होंगे तो आपको कल लाइव मतलब मैच शुरू होने से पहले भी आपको लाइव सेशन में हम बता दिया करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए क्रिकेट एडिटर को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।